खबर यूपी चंदौली से है। गरीबों का मसीहा सोशल मीडिया पर यह फरिश्ता का तस्वीर बार बार वायरल हो रहा है। सराहनीय कार्य में यह फरिश्ता पीछे नहीं हट रहा है। यह फरिश्ता घर घर पर जाकर विकलांगों को बाल्टी, रफ, कलम, नहाने का साबुन, प्रतिदिन गांव में जाकर गरीबों से हालचाल, विकलांगों को हर सम्मान उपलब्ध करा रहा है। गांव में यह फरिश्ता को भगवान का दर्जा दे रहे हैं। चौंकाने वाली बात बार बार सामने आ रहा है। जब ताला गांव में मीडिया की टीम पहुंचा तो राम भरोस का कार्य देखकर चौंक गया। गांव के लोगों ने इनके बारे में जानकारी दी। इनका सराहनीय कार्य बहुत लंबे समय तक रहा है। इस वीडियो में राम भरोस सिंह को पहचाने गांव ताला मूसा खाड़ा का रहने वाला है। राम भरोस सिंह वनवासियों को लड़कों को बाली बाल देकर इन खिलाड़ियों को उत्साहित मनोबल बढ़ाया। राम भरोस सिंह के द्वारा इस मौके पर कोरोना महामारी को देखकर मास्क का भी वितरण भी किया गया। यह फरिश्ता अपना जमीन सात बिस्सा दान कर दिया गरीबों के नाम। वनवासियों को बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए एक साल का फीस माफ करा दिया यह फरिश्ता। चकिया से बहुत बड़ी खबर सामने आई है। नाम है आपका? हमारा नाम संतोष कुमार यादव है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम ग्राम चीतनपुर मुसाखंड चकिया चंदौली के रहने वाले हैं। गुरु जी का क्या सराहनीय कार्य रहा है? गुरु जी का सराहनीय कार्य है कि बच्चों के लिए जो किताब और कापी और साल भर की फीस और जो भी जन सहयोग इनसे होता है, दवा को ले जाने के लिए, ले आने के लिए कुछ राशि कम पड़ती है तो वो भी देते हैं। और तमाम गरीबों के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। राम भरोस यादव ताला। आपका? कहाँ का रहने वाले हैं? क्या नाम है आपका? अदालत। कहाँ का रहने वाले हैं? चित्तमपुर। क्या समस्या है बाबू जी? विकलांग है हम और क्या। क्या नाम है आपका? दुर्गावती। कहाँ का रहने वाली हैं? सीतमपुर का। क्या समस्या है आपको? हमारे बच्चा विकलांग बड़ा, हमारे पढ़ावे के पर भूता नहीं बा, गरीब बड़ी। राम भरोस यादव जी के द्वारा क्या योगदान मिला है? बाल्टी, कलम, किताब और साल भरे का फीस माफ। सर, आपका सराहनीय कार्य किया गया है आपके द्वारा, आप इस गरीबों के संदेश क्या देना चाहते हैं? गरीबों के प्रति संदेश यही देना चाहता हूं कि बच्चा विकलांग है, इसकी साल भर की जितनी फीस रहेगी मेरे तरफ से रहेगी, साल भर की खर्चा कपड़ा वपड़ा तभी मैं दूंगा। बच्चे के लिए अभी कलम, कापी, बाल्टी और साबुन दिए हैं। जो भी इसकी समस्या होगी मैं तत्पर तैयार रहूंगा हर संभव मदद करने के लिए। मैं प्रयास कर रहा हूं कि इसको व्हील चेयर निश्चित दिलाऊंगा। ये मेरा अथक परिश्रम है कि मैं इसको जितना भी हो सके इसकी मैं मदद करूंगा। गरीबों के प्रति सबसे बड़ा योगदान आपका क्या रहा है? योगदान मेरा गरीबों के प्रति यही रहा है कि मैं इनको शिक्षा दिलवा दूं, जितना हो सके हमें सहायता प्रदान कर सकूं, मेरे यही इच्छा है। ये बताएं। मेरा नाम मनीष कुमार यादव, ग्राम ताला। कहाँ का रहने वाले हैं? ग्राम ताला। ये जो है कि राम भरोस यादव जी ने ग्राम ताला में एक बाली बाल और नेट दिए और यहाँ पे भीषमपुर वनवासियों को जो है कि बाली बाल और नेट देकर उनके मनोबल को उत्साहित किए और ग्राम मलहर में एक नेट और एक बाली बाल देकर वहाँ के भी लड़कों के हौसले बढ़े। सर, अपना परिचय बताएं। मैं राम भरोस सिंह यादव और युवा बनांचल फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हूँ। हम वनवासियों को, बच्चों को खेल के प्रति उत्साहित करने के लिए नेट बाली बाल दिए और एक बाली बाल ताला में भी दिए। इन युवक साथियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये जाते हैं कि हमारे बच्चे जो है कि नियम से खेलें और आगे जाएं। जो भी सहयोग होगा मैं निरंतर सहयोग करता रहूंगा, जो भी मेरे लाख करने लाख रहेगा। इसलिए हम इन बच्चों को दिए, ताला को भी एक बाली बाल दिए और मलहर के भी बच्चों को दिए और एक बाल्टी इन लोगों को पानी पीने के लिए मैं समाज में दे रहा हूँ। मास्टर जिंदाबाद, भरोस मास्टर जिंदाबाद, जिंदाबाद, भरोस मास्टर जिंदाबाद, 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 भरोस मास्टर जिंदाबाद, 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 भरोस मास्टर जिंदाबाद, 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 भरोस मास्टर।